गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अम्बेंडकर क्लासेस में तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ई और फ्रेजल वर्ब्स का पार्ट इलेवन तो बच्चों ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम चलते हैं अपने ईडीएम्स और फ्रेजल वर्ब्स पे तो पहला जो हमारा ई और फ्रेजल वर्ब है वो है वास्ट देर हैंड ऑफ़ वास्ट देर हैंड ऑफ़ पल्ला झाड़ना देखो इसको याद कैसे करेंगे इसमें आपको दो शब्द दिखाई दे रहे होंगे वाश और हैंड्स तो इसको याद कैसे करेंगे देखो हमने क्या किया अपने हाथों को मतलब हैंड को वॉश करके इस बात से या किसी बात से पल्ला झाड़ लिया तो याद करना कितना आसान हो गया अपने हाथों को वॉश करके हमने उस बात से या किसी बात से क्या कर लिया पल्ला झाड़ लिया याद करना आसान है तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है हेल्शियन डेज प्रसन्नता के दिन क्या होते हैं ये प्रसन्नता के दिन हेल्शियन को हम याद करेंगे देखो इसमें आपको हेल और इसमें आपको दिखाई दे, दे रहा है हेल और एक दिखाई दे रहा है शियोन जिसको हम पढ़ेंगे कौन कौन सियोन को हम पढ़ेंगे कौन तो हेलो हेलीसियंस से हम पढ़ेंगे हेलो जब हमने हमारे पास फ़ोन होता ना फ़ोन के ऊपर हमने क्या बोला हेलो बोला तो जैसे ही हमने हेलो बोला हेलो कौन तो इससे क्या हुआ हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्यों क्योंकि उस टाइम हमारे अच्छे दिन थे तो जैसे ही हमने हेलो बोला वो दिन हमारे कैसे दिन थे प्रसन्नता वाले दिन थे क्योंकि हम कैसे बोलते हैं हेलो कौन क्योंकि हमारे पास हर कोई फ़ोन करता था अच्छे थे हम हमारे पास पैसा था लेकिन अब नहीं है तो क्या होगा गरीब हो गए तो क्योंकि कोई फ़ोन भी नहीं करता अब हम क्या दुखी हैं तो याद करना जैसे मर्ज़ी याद कर सकते हैं इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नेक्स्ट देखिए फेल ऑफ स्टोनी ग्राउंड फेल मीन्स गिर जाना गिरना ठीक है और स्टोनी मीन स्टोन यानी कि पत्थर स्टोन का मतलब होता है पत्थर एस टी ओ एन ई -E, स्टोन का मतलब होता है पत्थर तो स्टोनी को हम याद करेंगे पत्थर से तो पत्थर क्या आता है ग्राउंड मीन्स जो अपना ये ज़मीन होती है जमीन के ऊपर पत्थर क्या आता है गिर जाता है और कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते मतलब लोग उसके ऊपर क्या नहीं करते ध्यान नहीं देते गिर गया तो गिर गया कुछ नहीं होता पत्थर ही है तो यार करना कितना आसान हो गया स्टोनी ग्राउंड के ऊपर पत्थर क्या हो गया सॉरी पत्थर जो है ग्राउंड के ऊपर गिर गया है लोगों ने ध्यान नहीं दिया मतलब किसी भी लोग ने या किसी भी बंदे ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो अस यार करना कितना आसान है तो नेक्स्ट देखिए बच्चों ऑल द डक इन ए रो ऑल मीन सभी हैं बत इन ए रो एक ही लाइन में रो का मतलब होता है लाइन तो एक ही लाइन में क्या है सभी बत्तक हैं तो मतलब क्या हमने इसको क्या कर दिया है व्यवस्थित कर दिया है जैसे मान लीजिए कि ये बत्तक है फिर ये बत्तक है उसी के पीछे ये बत्तक है फिर ये बत्तक है तो ये कैसे होगी एक लाइन में होगी मतलब व्यवस्थित रूप से चल रही है ना तो चीज़ों को क्या करना व्यवस्थित रूप से करना व्यवस्थित करना या व्यवस्थित रूप से रखना तो आसान हो जाएगा मतलब कि जब क्या होंगे जो बत्तख हैं वो एक ही लाइन में होंगी तो क्या होगा मतलब कि हमने चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया है नेक्स्ट देखिए डॉक्टर द अकाउंट डॉक्टर द अकाउंट का मतलब होता है धोखाधड़ी करना अब देखो डॉक्टर का मतलब डॉक्टर ही होगा अकाउंट का मतलब क्या खाता तो डॉक्टर ने क्या कर दिया खाते में क्या कर दिया अकाउंट में क्या कर दिया धोखाधड़ी कर दी तो है तैयार करना आसान है इसमें कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट देखिए मेजर मेजर अप का मतलब होता है मापना या तुलना करना तो याद करना आसान है ये तो कि सही तरीके से तुलना करना या सही तरीके से मापना नेक्स्ट ओन गुड टर्म्स सॉरी ओन गुड टर्म्स ओन गुड टर्म्स का मतलब होता है दोस्ताना अब आपको यहाँ पे एक शब्द दिखाई दे रहा होगा टर्म यह हम इसको दोनों ही ले सकते हैं गुड टर्म भी ले सकते हैं गुड टर्म का मतलब क्या होता है अच्छा होना या फैमिलियर होना फैमिलियर का मतलब क्या होता है फ्रेंडली मतलब दोस्ताना ठीक है तो याद करना कितना आसान है कि देखो गुड गुड मतलब क्या है अच्छा अच्छी टर्म तो अच्छा गुड टर्म कौन सी होगी जो फ्रेंडली होगी जो अच्छी होगी तो जो फ्रेंडली का मतलब क्या था दोस्ताना गुड का मतलब भी क्या था दोस्ताना ठीक है नेक्स्ट देखिए टू गोट स्कोट फ्री माफ़ी पा जाना या पाना इसको हम याद कैसे करेंगे देखिए इसके आपके इसमें आपको स्कोट दिखाई दे रहा है स्कोट स्कोट में आपको कोट दिखाई दे रहा ना तो उसको हम याद करेंगे कैट से कैट फ्री जो कैट थी वो फ्री में माफ़ी मांग गई उसकी गलती नहीं थी लेकिन फिर भी उसने क्या कही माफ़ी मांग ली या हम कह ले इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कैट जो है कैट की ही गलती थी और माफ़ी और किसी ने मांगी तो उसको भी साथ में मिल गई तो ऐसे कैसे याद करेंगे इसको कैट फ्री में माफ़ी पा गई पा गई देखो याद आ गया ना तो आसान है याद करना तो कैट फ्री स्कॉट फ्री कैट फ्री याद रह जाएगा ये नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत ही अच्छा है बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छा है फुल ऑफ हॉट एयर फुल ऑफ हॉट एयर का मतलब है मूर्खतापूर्ण अब हॉट एयर हम कब लेते हैं क्या हम सर्दियों में लेते हैं हॉट एयर या गर्मियों में लेते हैं तो बात है हम गर्मियों में लेंगे या सर्दियों में तो हम सर्दियों में लेते हैं अगर कोई गर्मियों में लेगा तो कैसी बात होगी अच्छी बात होगी या मूर्खतापूर्ण बात होगी तो वो मूर्खतापूर्ण बात होगी यार कैसे करेंगे कि हॉट एयर को हम गर्मियों में लेंगे तो वो कैसी बात होगी मूर्खतापूर्ण बात होगी ये सभी को पता है क्योंकि गर्मियों में पहले ही बहुत गर्मी होती है और ऊपर से हम फिर वो गर्म हवा ले रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है और कितनी गलत बात है वो आपको खुद ही पता लग जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए ऑफ द टॉप ऑफ हिज हेड ऑफ़ द टॉप ऑफ हिज हेड इसमें आपको टॉप दिखाई दे रहा है एक और एक हेड दो शब्द उठा लीजिए इसका मतलब क्या आता है बहुत अधिक सोचे बिना अब इसको याद कैसे करेंगे याद करने की जो ट्रिक है वो बहुत ही आसान है इसके अंदर देखो आप खुद सोच के देखिए कि इसमें क्या बन सकता है बच्चों अगर आप खुद सोचोगे ना तो उससे आपको क्या होगा बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा अब मैंने आपको बोला टॉप हेड टॉप और हेड टॉप हेड उसने बहुत सोचे बिना मिल गया मतलब इसको याद करना बहुत ही आसान है देखो आपको क्या करना है मतलब वो ना कोई व्यक्ति है वो पहले बहुत ज़्यादा मतलब शुरुआत की जब वो बिगिनर्स था तो उसको इतनी मतलब पॉपुलैरिटी नहीं मिली लेकिन जैसे ही वो क्या हो गया मेहनत करता गया तो उसको क्या होगा टॉप मिल गया मतलब वो टॉप पे चला गया मतलब टॉप हेड बन गया सबसे ऊपर चला गया और अधिक सोचा भी नहीं उसने बिना सोचे ही वो क्या बन गया टॉप पे चला गया तो आसान का यार करना आसान है तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें शेयर किया करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बच्चों आपको वीडियो सॉरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नई जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे ऑफिशियल चैनल की तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए या किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप वो भी हमें बता सकते हैं हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और बच्चों आपको बता दें कि हमारा जो टारगेट है एस एस सी से रिलेटेड है कि हमने आपको एस एस सी का इंग्लिश जो है वो सारी करवानी है बच्चों आप ये मत सोचिए कि ये ओनली फॉर एस एस सी है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा हम आपके लिए ये एच एस में भी उतना ही कारगर होगा जितना आपके एस में होगा और बैंक में भी उतना ही कारगर होगा क्योंकि इसमें हम जो क्वेश्चन जो आपको ये ई और फ्रेजल वर्ब्स दे रहे हैं ये बैंक में भी पूछे जाते हैं एस में भी पूछे जाते हैं एच एस में भी पूछे जाते हैं मतलब ऑल ओवर अगर हम बात करें तो सभी एग्ज़ाम्स में इसका एक वेटेज होता है वो अलग अलग होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है मान लीजिए कि जैसे एस एस सी एच एस में जैसे है अलग अप्रोक्सीमेटली बीस से चौबीस नंबर की एडियम्स फेजलवर्स और एंटोनिम्स नोनिम्स आते हैं तो हम मान के चल सकते हैं कि इसमें से ज़्यादा नहीं तो चार या पाँच नंबर का, का काम आ सकता है छः का भी हो जाता है आठ का भी हो जाता है मतलब इनमें से कुछ वेटेज बन जाता है तो बचो इस चीज़ के मन में मत रखना कि इसमें से एग्जाम में नहीं आएगा तो एग्ज़ाम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल बेखोब होकर है कि इसमें से कुछ नहीं आता इसमें से बहुत कुछ आता है तो आपके जैसे ही ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स हो जाते हैं उसके बाद हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर अंटोनिम्स एनोनिम्स जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे या वो कैब स्टार्ट कर देंगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ठीक है बच्चों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू